गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर लेट्स स्टार्ट डायरेक्ट स्पीच गिव्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन फॉर एग्जांपल टॉम सेड टू मी आई एम वेरी टायर्ड टुडे I am very tired today. So, Tom said to me, this is the reporting verb. ये कौन सा पार्ट है Reporting verb. And I am very tired today. This is the reporting speech. Okay? जब रिपोर्टिंग वर्ब इसको हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से ये दिस इज द डायरेक्ट स्पीच और इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टॉम सेड टू मी जॉय हो जाएगा टॉम सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में Told Joy, J-O-E, that अब आपका ये present में है ये I जो है first person pronoun है ये change होगा Tom के according तो Tom के लिए pronoun use हो जाएगा he present जो होगा past में change हो जाएगा he was am change होगा was में और very tired and today will change into that day okay ye samajh mein aaya aapko yes sir anuradha yes sir samajh mein aaya aapko aapne pichli class yes, sir, mein aapne pichli class mein bhi padha hoga ye yes sir padha okay आगे चलते हैं टाउ पेज नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच इज द स्पीच when another person tells somebody what the speaker has said ki speaker ke dwara kya kaha gaya hai abhi aap se maine kuch kaha maine kaha ki 2 and 2 make 4 theek hai so this is the direct speech by the teacher said comma inverted comma start 2 and 2 make 4 full stop inverted comma close this is the direct but when you go to home and you told your mother or father then the statement will be in indirect speech kaise the teacher said that 2 and 2 make 4 badlav aaya हमने उसमें कुछ चेंजेस लाए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है आपके पास तो इनडायरेक्ट स्पीच इज व्हेन अनदर पर्सन टेल समबडी दैट द स्पीकर हैज सेड फॉर एग्जांपल जॉय टोल्ड डैन दैट टॉम वाज वेरी टायर्ड दैट डे अभी मैंने आपको ऊपर चेंज करके दिखाया था तो इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा चेंज की ये आपने पढ़ा होगा ये पढ़ा है आपने ये पता है आपको
Do you know about this? पता है अनुराधा क्या ये? पंकज, गौरव? Yes sir. क्या ये? यस सर नो नो सर दिस इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिस इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिस इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन एस मीन्स सब्जेक्ट ओ मीन्स ऑब्जेक्ट एन मीन्स नो चेंज फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट and third person no change is that clear yes sir ye yaad rakhna aap yahan pe baat karte hain abhi hum ek rule number 1 hai रूल वन क्या है मैंने आपको बताया ये तो पता लग गया आपको कि हमारे पास सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है जैसे टीचर सेड आई एम हैप्पी ठीक है तो इसके दो पार्ट हैं पहला पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा जो पार्ट है ये है रिपोर्टिंग स्पीच ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टिंग स्पीच है इज दैट क्लियर यस सर यस सर जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट कोटेशन है ये डायरेक्ट स्पीच है ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो इसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे इसी को कैसे चेंज करने का अनुराधा The teacher, बोलो टीचर said that. अब मैंने बताया आपको कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अभी बताया था ना मैंने SON 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन नो चेंज बताया था ना अभी यस सर तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में आपके पास में मींस रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में नो चेंज तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है आई और वी होता है यस सर फर्स्ट पर्सन क्या है अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई और वी है सेकंड पर्सन क्या है यू है यू और थर्ड पर्सन क्या है He है, she है, he, she, it, it, or it, they, it, they, they, ये हैं, them. तो यहाँ पे हमारे पास आई क्या है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग तो इसके लिए टीचर की जगह फिर क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं हम He. ये प्रेजेंट में है तो इसका क्या हो जाएगा पास्ट हो जाएगा Was. Happy? Yes, sir. Clear? Yes, sir. ठीक है तो पहली बात है नियम नंबर 1 रूल 1 कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो फ्यूचर टेंस में तो देर इज नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच क्या बताया मैंने रूल 1 सर जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा रिपोर्ट जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच. सिर्फ किसको छोड़ के? प्रोनाउंस को छोड़कर. प्रोनाउंस में चेंज होगा. अभी चेंज हुआ था ना, अभी किया था हमने चेंज. सेंटेंस लेते हैं. टीचर सेज व्हाट इज योर नेम. टीचर सेज व्हाट इज योर नेम. थोड़ा मुश्किल वाला सेंटेंस ले लिया पहले ही, लेकिन चलो कोई बात नहीं. तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है यहां पे? रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? प्रेजेंट. प्रेजेंट में है. तो मैंने कहा था कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच. यस सर. ठीक है, थोड़ा एक मिनट, सेंटेंस थोड़ा सा और इजी कर लेता हूं. जरा सेंटेंस आपके हिसाब से मुश्किल आ गया. सेंटेंस ले लेते हैं. आई एम सैड. ठीक है, ओके. तो मैंने बताया था कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा. तो क्या बनेगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में, कैसे क्या लिखा जाएगा? सर टीचर टीचर सेज दैट मैंने अभी क्या बताया था कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच. सिर्फ प्रोनाउंस को छोड़कर, सिर्फ प्रोनाउंस बदले जाएंगे, बाकी टेंस में बदलाव नहीं होगा. टेंस आपका सेम रहेगा. प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा. तो बताओ ही के बाद क्या है? He said. He is sad. That. Clear? Yes, sir. राम विल से आई एम नॉट कमिंग. सर टाइम हो गया? ओके सर एक मिनट. आई एम नॉट कमिंग. तो मैंने बताया था कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, देन देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच. यस सर. क्या बनेगा? Ram will say that. I first person he, है. Change हो जाएगा according to subject. क्या बन जाएगा? He is not coming. He is not coming. Okay. Yes. Sir. Okay. Thank you. Sir. And that's the end of the class. And we'll see you next class. Okay, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.